प्रोत्साहन के लिए जाते हैं। सो ये आपकी कौन है, नाते नहीं है, आपके बहू की बिटिया हुई है। चलो बहुत अच्छी, क्या शहर में रहते हैं आप? तो यही रहते हो ना? नहीं, भिंड में रहते हैं, भिंडी के रहने वाले। चलो बहुत अच्छा। इससे पहले और भी बच्चे हैं क्या आपके? कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। वो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? नहीं, छोटा है। अच्छा, अभी छोटा सा है। चलो बहुत बढ़िया। सरकार की कुछ योजनाएं चलती हैं उनकी जानकारी है आपको? अब तो बताओ क्या चलती है योजनाएं। लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, सुकन्या समृद्धि योजना चलती है। लाडली लक्ष्मी योजना में 118,000 का चेक मिलता है। हाँ। इसकी जानकारी है आपको? नहीं है। तो चलो मैं बता देता हूँ। भिंड में कहाँ रहती है? भिंड में कहाँ रहती है? सुभाष नगर में रहते हैं। तो आपका जो भी आंगनबाड़ी केंद्र लगता हो, आस पास में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हो, आप वहाँ पर जाएं। वैसे फॉर्म तो हम आपको दे देंगे, फिर भी आप आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे तो वहाँ आपको एक ऐसा फॉर्म मिलेगा, आप इसको भरिए। और इसके भरने के बाद आपको क्या है, आपकी दूसरी बिटिया हुई है, यानी कहने मतलब पहले बेटा है, दूसरी संतान है। हाँ, दूसरी संतान। तो आपको परिवार नियोजन को अपनाना पड़ेगा, यानी कि इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बिटिया को 118,000 रुपए का चेक मिलेगा। मैं सही हूँ? ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, और एक सुकन्या समृद्धि योजना भी चलती है, उसमें क्या होता है कि अगर आप बिटिया के लिए पैसा जमा करेंगे तो सरकार आपको बहुत सारा पैसा देती है बाद में, यानी बहुत अच्छा ब्याज है उस पर। अगर आप 1,000 रुपये महीने के जमा करती हैं तो आपको ये 14 साल जमा करना पड़ेंगे। 1 महीने के 1,000 रुपये, 12 महीने के 12,000, तो 14 साल के 1,68,000 रुपये कुछ होंगे ऐसे। तो आपको ये जब बिटिया आपकी 21 साल की हो जाएगी तो आपको 5,60,000 के आसपास कुछ पैसा मिलेगा, यानी 3 से 4 गुना पैसा मिलता है। तो ये पोस्ट ऑफिस या फिर सरकारी बैंक के माध्यम से आप ये सुविधा का लाभ ले सकती हैं। और जरूरी नहीं कि 1,000 जमा करें, आप 500 भी महीने के जमा कर सकती हैं, और 250 से लेकर आप जितना भी बड़ा अमाउंट करना चाहें उतना कर सकती हैं। इसमें सारी जानकारी है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी केंद्र पे जाके आप लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकते हैं और दूसरी योजना का आप वहाँ से ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक बता दिए ना बिल में? बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल बता दिए। बताइए आप बैंक में जाएंगी ना तो खुद ही